दुनिया में माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। माता पिता बहुत मेहनत और हिम्मत के साथ हमारा पालन पोषण करते हैं। हम हमारी लाइफ में पढ़कर कुछ बन जाएं, इसके लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। गुरुग्राम हरियाणा में राजेंद्र नाम का आदमी पत्नी रूपा, बेटे रमन और बेटी उन्नति के साथ रहता था। वो टेम्पो चलाता था। रमन पास ही के एक स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रमन अपने मोहल्ले में रहने वाले चेतन के साथ बात कर रहा होता है। और भाई रमन, आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं भाई, घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, पढ़ने बैठूंगा, और क्या। अजी हाँ, बड़ा आया पढ़ाकू, तुझे क्या कलेक्टर बनना है? चल फिल्म देखने चलते हैं। नहीं चेतन, फिल्म नहीं। क्यों, फिल्म क्यों नहीं? वो मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे की टेंशन छोड़, मैं दे दूंगा। अब सोच मत, चल फिल्म निकल जाएगी। रमन और चेतन दोनों फिल्म देखने जाते हैं। वहाँ रमन के पिता ऑटो चलाते हुए पहुँचते हैं और उनकी नजर रमन और चेतन पर पड़ती है। वो कुछ नहीं बोलते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। राजेंद्र घर पहुँचता है और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। उसकी पत्नी रूपा खाना लाती है, वो नहीं खाता। रात को रमन घर पहुँचता है। अरे रमन, आ गया तू? कहाँ था आज पूरे दिन? स्कूल तो शाम 4 बजे बंद हो जाता है ना, तू अब 8 बजे कहाँ से आ रहा है बेटा? मैं क्या? मैं अपने दोस्त चेतन के घर पढ़ रहा था। ओहो अच्छा। माँ क्या हुआ पापा को? पता नहीं बेटा, शाम से आए हैं, ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, और बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूँ। पापा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है ना? बोलो पापा। पापा पापा क्या हुआ? राजेंद्र चुपचाप आंखों में आंसू लिए मुंह फेर लेते हैं। रमन सोचता रह जाता है कि आखिर क्या हुआ। अगली सुबह भी पापा कुछ नहीं खाते पीते। रमन परेशान हाल में अपने स्कूल के मैनेजर सोहित यादव जी के पास जाता है और उन्हें बुला कर लाता है। सोहित सर नमस्ते। नमस्ते बेटा रमन, सुबह सुबह क्या हुआ, सब ठीक तो है? सोहित सर, पता नहीं कल शाम से पापा को क्या हुआ, न कुछ खा रहे, न पी रहे, न बोल रहे। अरे ऐसे कैसे, चलो मैं साथ चलता हूँ। रमन अपने सोहित सर को साथ लेकर अपने घर पहुँचता है। माँ। हाँ बेटा। माँ देखो, सोहित सर आए हैं। नमस्ते सोहित भैया। नमस्ते भाभी जी, क्या हुआ, अपना राजेंद्र भाई कहाँ है? अंदर है, पता नहीं कल रात से क्या हुआ, ना बात कर रहे हैं, ना कुछ खा पी रहे हैं। अब आप ही देखो भैया। ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये कहकर सोहित सर अंदर कमरे में राजेंद्र के पास जाते हैं। अरे भाई राजेंद्र, क्या हुआ? अरे राजेंद्र क्या हुआ, ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? सोहित भाई, आप जानते हो मैंने कितनी मेहनत से अपना परिवार बसाया है, कितनी मेहनत की है ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख सकें। किराए का घर है, किराए का ऑटो है, सड़क पर चलना और पैसे कमाना कितना मुश्किल है। और कल मैंने देखा कि रमन स्कूल से घर ना आकर फिल्म देखने गया था। सोहित सर सारा माजरा समझ जाते हैं और राजेंद्र से कहते हैं। भाई राजेंद्र, मैं सब समझ गया, तुम अपनी परेशानी मुझ पर छोड़ दो। भाभी जी,
राजेंद्र भाई के लिए गर्मा-गर्म पराठे बनाओ और साथ में चाय। मैं स्कूल जा रहा हूँ। रमन तुम मेरे साथ चलो। जी सर। सोहित सर और रमन रास्ते में चलते हुए बातें करते हैं। रमन बेटा, माता पिता को अपने बच्चों से बहुत उम्मीद होती है, तुम्हारे पिता को भी तुमसे बहुत उम्मीद है। जी सोहित सर। तुम कल चेतन के साथ फिल्म देखने गए थे। बेटा रमन, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, फिल्में तो आती जाती रहेगी, पढ़ाई की उम्र और यह समय वापस नहीं आएगा। चेतन अच्छे घर से है, उसको पैसों की कोई चिंता नहीं। तुम्हारे पिता ऑटो चलाकर तुम्हारा पालन करते हैं। ऑटो ड्राइवर को रोजी कमाने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तुम नहीं जानते। क्या तुम भी अपने पिता की तरह ऑटो चलाना चाहते हो? मुझे माफ कर दो सोहित सर, प्लीज आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को दिल में ठेस पहुँचे। सॉरी। गुड बेटा, जीते रहो। साथियों, समय बहुत तेजी से बीतता है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अच्छी शिक्षा प्राप्त कर हम अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करो और पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ। इस स्टोरी में पार्टिसिपेट करने वाले आर्टिस्ट के नाम हैं आर्यन, साहिल, रमन, चिराग, रूपा और राहुल। धन्यवाद।